हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट्स जो 7 वाले थे बोल रहे थे, सर हमारे सब्जेक्ट बना ऑटोमोटिव कंपोनेंट एंड सिस्टम डिजाइन, तो वही सब्जेक्ट लेके आ रहा हूं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट एंड सिस्टम डिजाइन। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख, आपकी मैंने रिक्वेस्ट पे बनाया, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं, ऑलरेडी 8 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूं मैं, 8 सब्जेक्ट, एक प्रोफेसर अकेला 8 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूं, आपकी रिक्वेस्ट थी इसलिए डाला, अब हो गया टोटल 9 सब्जेक्ट। ठीक है, अब तो ये सब्जेक्ट अगर मैं आपके लिए ला रहा हूं ऑटोमोबाइल वाले बच्चों, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी गुजरात के अंदर ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स है, बहुत कम है, पर जितने भी है सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर आप देख रहे हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने दोस्त को बताना ही बताए, फिर उसको देखना नहीं देखना उसकी मर्जी है, पर आपको बता देना एक बार कि प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल पे जाओ और सर ने SESD के बहुत ही अच्छे वीडियो डाले, वहां पे जाके देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। एक काम आपको करना है, अगर मैंने आपकी रिक्वेस्ट मानी है तो आपको मेरी भी एक रिक्वेस्ट माननी है। दूसरी एक चीज, ये जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, आपने मेरी ऑलरेडी 5th सेम की प्लेलिस्ट यूज करी होगी, 6th सेम की प्लेलिस्ट यूज करी होगी, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट यूज करी है, तो ये जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, मिला था और अब जो मिल रहा है, वो पूरा फ्री क्वालिटी ऑफ कंटेंट, इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज यूज हो रहा है, ये आपको जो भी मुफ्त में वीडियोस मिल रहे हैं, तो इसके पीछे मेरा बहुत सारे टाइम इन्वेस्टमेंट हार्डवर्क रिसोर्सेज लगा हुआ, तो मैं सबको सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 200 रुपीज प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल को डोनेट करें। ये पूरी डिटेल्स आपको वीडियो पे दिख रही होगी, तो सबसे पहले आपको मैं ये भी बोलता हूं, क्योंकि ये अगर वीडियो आपको लग रहा है कि वीडियो आते रहे फ्यूचर में और आपने जैसे फायदा उठाया और भी बच्चों को मिले, तो वो तभी मिलेगा जब ये पूरा डोनेशन मिलेगा, तो इसी तरीके से YouTube चलती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अब खुद को मेरी जगह पे रख के सोचना, फिर आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो ये हर बार इस बार मैंने मुहिम चलाई है, क्योंकि इस ऑपरेशन को अब ले जाना है, तो आप तुम ही चला सकते हो, तुम्हारा YouTube चैनल है और तुम्हें ही चलाना है। ठीक है, तो अब वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं, तुम लोग स्मार्ट है, तुमको पता है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं मुद्दे की कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट एंड सिस्टम डिजाइन, तो इसका मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अब इसका जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा ना, और जो मैकेनिकल के मैं वीडियो डाल रहा हूं, उनका जो 7 सेम का सब्जेक्ट डिजाइन और मसल एलिमेंट, उन दोनों के मोस्ट ऑफ 80% वीडियो सेम होंगे। तो अब तुम सोचोगे कि सर आप जो डीएमई के वीडियो डाल रहे हो, वही आप SESD यानी हमारी जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट एंड सिस्टम डिजाइन है उसके ऊपर ही आप लगा रहे हो, क्योंकि बच्चे तुम्हारा और उस दोनों का 70% सिलेबस सेम है, कंटेंट भी सेम है, सिर्फ 30% ही डिफरेंट है। तो इसीलिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट थी, मैंने देखा, फिर मुझे लगा कि चलो 70% कंटेंट तो सेम ही है, तो फिर इसको डाल ही देता हूं, इसीलिए मैंने प्लेलिस्ट डालूंगा। तो अभी जो भी वीडियो में गियर का स्टार्ट किया हुआ है मैकेनिकल का, तो आप देखो पहले तो मैं आपको बता देगा कौन कौन से चैप्टर सिमिलर है। तो ये आपका देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक कंपोनेंट एंड सिस्टम डिजाइन, ठीक है, पहला चैप्टर है डिजाइन कंसीडरेशन। अब वही चीज अब मैकेनिकल में भी है, अब ये मैकेनिकल का सिलेबस दिखाता हूं मैं तुमको, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, पहला चैप्टर देखो डिजाइन कंसीडरेशन है ना सेम, तो फर्स्ट चैप्टर सेम है। फिर आ जाओ चलो ऑटोमेटिक कंपोनेंट सिस्टम डिजाइन में आओ अगेन, फिर देखो ये बियरिंग है, रोलर कॉन्टेक्ट बियरिंग। अब मैकेनिकल में आ जाओ, चलो फटाफट देखना है, तो मैकेनिकल में है रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग, हाँ सर वो भी है, ये तो सेम ही हुआ। फिर आगे पढ़ते आगे भागे आओ, फिर क्या आता है, गियर है, स्पर व हेलिकल एंड बेवर, फिर से मैकेनिकल में आओ, तो सर मैकेनिकल में हम आएंगे तो डिजाइन ऑफ गियर ड्राइव है, स्पर हेलिकल बेवल है ना, ये सारे कंटेंट भी सेम ही है, तो ये तो हो गया आपका सेम, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये है भी है ही, ठीक है। फिर ये गियर बॉक्स ट्रांसमिशन ड्राइव, इसमें सारे गियर बॉक्स वो सब आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे डिजाइन ऑफ गियर बॉक्स है ही, मैकेनिकल में आ जाओ, स्पीड गियर बॉक्स, तो इसमें भी थोड़े कॉन्टेक्ट सेम ही आने वाला है। फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो मैकेनिकल का ये देख लो, डिजाइन ऑफ मैकेनिज्म, जिसमें IC इंजिन का है, ये सारी चीज है, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाओ, ऑटोमोटिव में आ जाओ, तो ऑटोमोबाइल के अंदर आओ तो डिजाइन ऑफ IC इंजिन कंपोनेंट है कि नहीं, सिर्फ एक लास्ट वाला चैप्टर है वही मुझे थोड़ा सेपरेट बनाना होगा। तो अब ऑटोमोबाइल वाले जो मैं मैकेनिकल के जो कॉमन कॉन्टेक्ट यानी मैंने गियर से स्टार्ट किया हुआ है मैकेनिकल का, और ऑटोमोबाइल तुम्हारे वाले वो तुम्हारे लिए कौन सा चैप्टर हो जाएगा, वो थर्ड नंबर का चैप्टर। अब तुम लोग सोच रहे हो सर गियर क्यों स्टार्ट, क्योंकि गियर बहुत इंपॉर्टेंट है सेम ऑटोमोबाइल में भी, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा रहेगा, तुम्हारे पेपर में गियर में से ज्यादा कंटेंट आएगा, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज है वो गियर से स्टार्ट किया हुआ है। दूसरा डिजाइन डेटा बुक की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए PSG की डिजाइन डेटा बुक आएगी, कौन सी यूज करनी है, अभी आपको परचेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेरे के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बताया मैंने, क्योंकि जो मैकेनिकल के वीडियोस रहेंगे उनकी प्लेलिस्ट में, उसमें सेम वीडियो आपके लिए भी आएगा, तो मैं आपकी प्लेलिस्ट बना ही दूंगा, लेकिन उनके और आपके प्लेलिस्ट में 70% वीडियो सेम होगी, क्योंकि कंटेंट भी सेम है। तो अब समझ में आ जाए, फिर मुझे पूछना मत सर कि सर ये मैकेनिकल का सेम क्या, वही आपने ऑटोमोबाइल में डाला है, क्योंकि बच्चे तुम दोनों का 70% सिलेबस सेम है, तो तुम्हारा SESD का सिलेबस, उनका DME का सिलेबस 70% सेम है। समझ में आ गया,
ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। तो चलो फटाफट इस वीडियो जैसे आप खत्म कर रहे हो मैंने प्लेलिस्ट बना दी होगी और जितना भी गियर का कंटेंट होगा वो सारा मैंने डाल दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपको चलना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सारे बच्चों तक पहुंचाएं और इसको डोनेट करें। आपको ही चलाना है, आपकी वीडियो है, आप ही चलाएंगे, बस मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में, और कब आएगा वीडियो वो भी बता देता हूं। ये वीडियो आता है आपका मंडे, एवरी मंडे वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।